कल से क्या करना है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सुबह 12 बजे तक जो भी कुछ खाएंगे लेट इट बी फ्रूट्स, 3 से 4 तरह के फल लेना है और अपने बॉडी वेट से इंटू 10। मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 10 700, मेक इट ग्राम, 700 ग्राम कम से कम मुझे फल खाना है। लेकिन जो लोग 70 के साल से ऊपर के हैं तो 700 ग्राम उनके लिए ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा ज़्यादा है कि नहीं? जब पेट भर जाए बस मान लो उतना ही खाना है। जो लोग छोटे बच्चे हैं ग्रोइंग में, उनके लिए 700 ग्राम कम पड़ेगा, बल्कि इससे डबल भी खा सकते हैं, 1400 ग्राम, 1.5 किलो। तो ये एक इंडिकेटिव नंबर है, लेकिन रूल ये है कि जितने में पेट भरे उतना खा लो, खाना यही है। लेकिन फिर भूख लगे फिर यही खा लो, फिर भूख लगे फिर यही खा लो, नहीं लग रही तो मत खाओ। कितनी क्वांटिटी है इस पर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, लेकिन क्या खाना है इस पर स्ट्रिक्टनेस है, कब खाना है इसमें स्ट्रिक्टनेस है। आप समझिए, कोई कहता है 700 ग्राम से मुझे भूख लग जाती है तो हमने तो मना नहीं किया। कोई कहता है मैं 700 खाई नहीं, उसको 500 में पेट भर गया, तो भी नहीं मना किया हमने। हमने सिर्फ इतना बोला कि फल खाना है, क्वांटिटी, फल कौन से खाने हैं, जो आपको अच्छा लगे वही खाना है। मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूँ, फिर तो मीठे फल ज़्यादा खाने हैं, अंगूर खाना है, चीकू खाना है, आम खाना है, जितना ज़्यादा मीठा और जितना ज़्यादा क्वांटिटी ब्रेकफास्ट में उतनी जल्दी ठीक। ये पहला नियम, इसका मतलब कुछ और नहीं खाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड रूल, स्टेप 2, लंच एंड डिनर में, लंच और डिनर में प्लेट 1 एंड प्लेट 2, जैसे भी खा रहे हैं ना, प्लेट 1 में कच्ची सब्जी, राइट, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी वगैरह, कितना आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, 350 ग्राम्स। अच्छा 350 ग्राम नहीं कर पा रहे, 300 ग्राम, 300 ग्राम भी नहीं खा सकते, चलो 250 ग्राम, इस तरह से थोड़ा सा, पहले इतना खा लिया, अब आप खाइए प्लेट 2। जो भी आप खाते रहे हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आप तो खाना पीना बंद करा देते हैं, हमने बंद नहीं कराया, हमने ऐड कराया। बंद तो पहले हो गया था, आम और फल, मीठे फल, वो सब वो तो ऐड ही हुआ ना, राइट। आप तो खाना कम करा देते हैं, हम खाना कम नहीं करा रहे हैं, हाँ खाने का टाइम जरूर कम करा रहे हैं। जब इतना खा लेंगे तो पेट वैसे ही भर जाएगा, आप नोटिस करेंगे जब 3-4 दिन ऐसे करने के बाद, जैसे ही खाएंगे भूख बढ़ जाएगी आपकी, एपिटाइट बढ़ जाएगा। तो रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, जितना खाना उतना ही खाओ, लेकिन पहले ये खा लिया। अब जब रोटी खानी ही है तो गेहूं का छोड़ के गेहूं की जगह मिलेट्स, बाजरा वगैरह तो ज़्यादा अच्छा। कोई बोल रहा है नहीं मैं तो नहीं, मैं गेहूं ही खाना है, तो उससे भी आपको फर्क पड़ जाएगा। जबकि मैं ये बोल रहा था कल तक और अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आप विंडो ऑफ ईटिंग को ही कंट्रोल करें, उससे ही जब फर्क पड़ रहा है, तो खाने में अगर आप थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। ओनली जो एंड स्टेज पेशेंट, एंड स्टेज मतलब जो डायलिसिस में जाना जरूरी हो जाता है, जिनका इंसुलिन छूट ही रहा, जिनका, वहाँ पे वी आर लिटिल बिट स्ट्रिक्ट कि नहीं नहीं आपको गेहूँ छोड़ना पड़ेगा। पानी पानी है, जो बोतल में मिल रहा है वो आपके लिए वो भी पानी है, जो टैप में आ रहा है वो भी पानी है, जिस पानी की बात मैं कर रहा हूँ वो भी पानी है, दिखने में सब एक ही है लेकिन जमीन आसमान का फर्क तब दिखेगा, लिविंग वाटर। तो होना ये चाहिए कि वहाँ जाके 1 महीना रहो, वहाँ छोटे छोटे कॉटेज बने, जरूरी नहीं कि वहीं रहो, ऐसे जहाँ भी लिविंग वाटर मिलता है, जहाँ भी झरने का पानी मिलता है, यू शिफ्ट फॉर 1 मंथ, 1 महीना के लिए शिफ्ट होना है वहाँ पे, लिविंग वाटर के वहाँ पे शिफ्ट हुए। अब साथ में जो डाइट मैं बता रहा हूँ ये, और कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टली आपके लिए, कि बच्चे को गेहूँ जीरो कर दिया, जीरो। एनिमल फूड, एनिमल फूड मतलब जो भी चीज़ जानवरों से निकल रही है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, जीरो। जीरो इसलिए क्योंकि जो सिम्टम है वो ऑटोइम्यून के सिम्टम है, वो ठीक हो सकते हैं अगर कोई भी एनिमल प्रोटीन बॉडी में ना जाए और लिविंग वाटर बॉडी में जाए, और डाइट में बाकी जो मैंने बोला है वो सब खाते रहें, कुक्ड फूड भी लें, लेना ही है तो, लेकिन रॉ फूड ज़रूर लें। मान लो छोटा बच्चा है, ये चबा चबा के नहीं खाना चाहता, कोई बात नहीं, आप उसको जूस बना के या स्मूदी बना के दे दो, सूप बना के दे दो, राइट। तो क्या क्या देना है, कि तो वो कुकिंग क्लास हो भी रही, आपको रेसिपी भी दे देंगे हम।
तो जब बच्चा ये करेगा माइनस ऑल दिस इंजेक्शंस एंड मेडिसिन, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन कंट्रोल में आ जाएगा, एक्सपेक्टेड ही। ऐसे ही हमने देखा आप जैसे इस तरह के बच्चों में, आपको कैसे पता चलेगा बच्चा ठीक हो रहा है, हीमोग्लोबिन के अलावा जो सिम्टम्स हैं, जो स्वेलिंग है वो कम होने लगेगी, एनर्जी है, ताकत वो बढ़ने लगेगी, तो बच्चा इससे पता चल गया कि ठीक हो गया। ठीक होने के बाद अब हमेशा स्प्रिंग वाटर के वहाँ तो रह नहीं सकते, तो अब जब घर आएंगे तो यहाँ पे आपने टू पॉट सिस्टम, थ्री पॉट सिस्टम सीखा आपने, मटके के पानी में कैसे वो बनाते हैं जी। वो आप बना लो, उसको बच्चे को दो, वो सभी को करना चाहिए, लेकिन बाकी पास फ्लेक्सिबिलिटी की आप उतने बीमार नहीं है अभी, तो ना भी करें तो ठीक है। छोटे बच्चे का फायदा एक ये है कि छोटे बच्चे की रिवाइविंग कैपेसिटी बड़ी फास्ट होती है, लेकिन वो तभी होगी जब उसको राइट एनवायरनमेंट मिलेगा तब। मान लो मेरे पास बीज है, इमेजिन कीजिए मेरे हाथ में बीज है, बहुत ही उपजाऊ बीज है, बीज का उपजाऊ होना काफ़ी नहीं है, वो बीज को कहाँ फेंक रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है ना, जहाँ माहौल होगा सही वहीं तो ग्रो करेगा, नहीं तो बीज कितना भी उपजाऊ हो मैं पत्थर में फेंकूंगा वो उग ही नहीं सकता ना, तो चेंज क्या करना, मुझे माहौल देना है, तो माहौल जहाँ पे वहाँ तो जाना पड़ेगा ना भाई, है ना। तो अगर आप बोल रहे हैं कि कोई ऐसी दवा, कोई आप अमृत चाहिए आपको, तो वो अमृत है स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर कहाँ मिलता है ये थोड़ा ढूंढिए, मैंने तो एक लोकेशन बता दिया बिकॉज मैं वहाँ गया था, लेकिन ऐसे हमारे थोड़े थोड़े दूर बाहर कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, वहाँ है। तो चलिए, भगवान ने आपको एक चीज़ ऑलरेडी दे रखी है, अब उसको यूज़ करना है। तो स्प्रिंग वाटर व्हेन यू, जब भी बच्चा पिएगा, जितना भी पिएगा स्प्रिंग वाटर पिएगा, इन एडिशन टू दैट खाना ऐसे, और इसमें जो थर्ड स्टेप है जो सभी के लिए है, पैक्ड फूड ज़ीरो, डेयरी एनिमल फूड ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। जैसे बच्चे के लिए हमेशा के लिए ज़ीरो नहीं, जब तक ठीक नहीं होते, एक महीने से तीन महीने, हर तीन महीने में पूरा खून ही अपना बदल जाता है, ये आपको पता ही, एवरी थ्री मंथ्स। तीन महीने के बाद जब खून आएगा वो नया वाला आएगा, है ना, तो तब आप दोबारा से, होता नहीं छोटे बच्चे हैं बर्थडे पार्टी में जाएंगे, बाकी चीज़ भी करेंगे, तो तब देखें इंडल्ज इन दैट कभी कभी, लेकिन अभी तो स्ट्रिक्टली ठीक होना है। स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं ये ले सकते हैं, फ्रूट्स हैं ये ले सकते हैं, फ्रूट्स मतलब 12 बजे के बाद भी ले सकते हैं, 6 बजे तक कभी भी, ये सभी के लिए है। धूप 40 मिनट का लेना चाहिए, आप इस माहौल में जाएंगे जहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं है, धूप भी ज़्यादा है, लिविंग वाटर मिल रहा है, प्लस खाने पीने का सिस्टम, प्लस फूड, ये जब आप करेंगे तो जो आपने यहाँ पे लिख के दिया है राइट, तो ये सारा अपने आप ही, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ बिकॉज मैंने ऐसा देखा है, वो ठीक होने लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है ठीक होना, लेकिन ठीक होने के लिए जब तक, मान लो जैसे मैंने बीच का एग्जाम्पल दिया, बड़ी बात नहीं है जब तक कि आप उसको राइट माहौल दें, गलत माहौल में कितना भी पानी डालते रहें उसको वो होगा ही नहीं ना कभी। हम बोलेंगे देखो मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, बट मेहनत गलत डायरेक्शन करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा ही नहीं ना। प्लीज 6 बजे तक ले सकते हैं, देखिए 6 का 7 भी बज गया तो कोई ऐसा नहीं, देखिए हाँ अभी तक जो बैठे बैठे प्लीज, अभी तक जो आपने सुना जो आपने देखा उसको भूल जाइए, क्योंकि वही सब करते आए हैं उसके बाद ये सिचुएशन आई है, जबकि उसका उल्टा आपने दो दिन किया तो रिजल्ट आपके सामने है, है ना। तो शाम के बाद तो कुछ भी मत खाइए, और खीरा ये खा सकते हैं, खाना चाहिए, आपको दे भी रहे होंगे अभी, पत्ते वगैरह दे ही रहे हैं ना आपको, तो इसका मतलब खा सकते हैं। ये सब जैसे मान लो जो चीज़ आपको ठीक कर सकते हैं उन सबको मना कर दिया, डायबिटीज़ के पेशेंट को मीठे फल ठीक कर सकते हैं उसको मना कर दिया, किडनी के पेशेंट को नारियल पानी ठीक कर सकते हैं उसको मना कर दिया, है ना। जिस चीज़ से जो इंसान ठीक होता है उसको मना कर दो, फिर वो सोचता मैं ठीक ही नहीं होता। और ऐसा सबूत आपने देखा कि आपने आम भी खाए, कल भी खाए, आज भी खाए, और तब भी कुछ लोगों के इंसुलिन, बड़े बड़े इंसुलिन लंबे लंबे समय से चल रहे थे, दे आर स्टॉप्ड फोर्सफुली राइट, अगर वो स्टॉप नहीं करते तो उनको दिक्कत आ जाती। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात कि मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप जिंदा हैं और बीमारी के साथ पैदा नहीं हुए हैं तो अक्सर रिवाइव हो ही जाती है। इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, आपके फेथ को दोबारा से थोड़ा हिलाने के लिए।
जैसे पोलियो, आपने नाम सुना होगा कि पोलियो कभी ठीक नहीं होता, ऐसे सुना है ना, जबकि पोलियो या पैरालिसिस ठीक होता है। उसका एक सबूत मैं आपको दे रहा हूँ, वो सबूत एक छोटे वीडियो के फॉर्म में है, वीडियो भी चल जाएगा ना। वर्ल्ड की सबसे तेज धावक, एक टाइम पे उसके एक पैर में पोलियो था, चली नहीं सकती थी। तो 12 साल की उम्र तक एक पैर में पोलियो था, चली ही नहीं सकती थी। विल्मा रुडोल्फ, 3 ओलंपिक गोल्ड बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अपने टाइम में, आपने ये वीडियो देखा, ये हर जगह मौजूद है। अब सवाल आता है कि इन्होंने ठीक कैसे किया अपने आप को, पोलियो से जो इंसान चल ही नहीं सकता और बचपन से नहीं चल सकता, 12 साल तक नहीं, और उसके बाद ना केवल चलना दौड़ना बल्कि दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ना और लगातार कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। तो हुआ ये कि वो टाइम था जब ब्लैक्स को वाइट डॉक्टर देखते नहीं थे, कोई MD नहीं देखेगा, MBBS MD देखते नहीं थे कि ब्लैक्स हैं, विल नॉट सी यू, राइट। तो उनको प्रिविलेज नहीं था कि उनको कोई डॉक्टर पढ़ा लिखा देखे। तो उनकी मम्मी को किसी ने बताया कि बच्चे के पैर को गर्म पानी में डालो और बच्चे को मसाज करो तो बच्चा ठीक हो जाएगा, और उनकी मम्मी ने ऐसा ही किया, एग्जैक्टली ऐसा किया, और वो पैर ना केवल ठीक हो गया और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, आपके सामने है। तो हॉट वाटर इमर्शन जो यहाँ पे कर रहे हैं हम, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल, कितना पावरफुल सिस्टम है। लेकिन हॉट वाटर इमर्शन की एक ही नुकसान है बिजनेस को, कि वो उसका व्यापार ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि घर पे आप खुद भी कर सकते हैं ये चीज़, राइट। तो जिस तरह से उसके पैर पोलियो वाले रिवाइव हो गए, वैसे आपका किडनी भी रिवाइव हो सकता है, बॉडी के सारे ऑर्गन रिवाइव हो सकते हैं, है ना। यही चीज़ हम यहाँ पे कराते हैं कि पेशेंट को, जिनको लगता है कि हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है, उस तरह से तुमको, आप में से कुछ लोगों को हॉट वाटर इमर्शन में बिठाया होगा, कितने हैं जो हॉट वाटर में, कई सारे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए और ऐसा सिस्टम घर पर बनाइए, और मेरे घर पर भी है। और कभी कभी आप बैठेंगे, जो लोग पेशेंट नहीं है और जो पेशेंट है, जितना हम बताएंगे कल से उतनी देर बैठेंगे कम से कम, जिस तरह से मैंने बताया कि बॉडी के पैर पूरा ठीक हो सकता है और वो पूरी तरह से काम कर सकता है, वैसे ऑर्गन ठीक होते हैं, हमने तो देखा है, और वो सबूत मैंने आपको बुक के फॉर्म में दे दिया है। ऐसे लोग जो जिंदा हैं आज, जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, जिनको बोला कि जिंदा नहीं रह सकते ट्रांसप्लांट के बिना, उनका डायलिसिस बंद हो गया, उनकी दवाइयाँ भी छूट गई। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, तो वो आप करेंगे तो आपको भी वो रिजल्ट दिखेगा, आप कर ही रहे हैं एक्चुअली, तो आपको साथ साथ रिजल्ट दिखता जाएगा। कितना करना है, कब करना है, कितने टाइम में करना है, ये सारी चीज़ें कल लिखित में आपको हम बताएंगे, बेस्ड ऑन इन 3 दिन में आपका क्या रहा, इससे पहले क्या था, उसके हिसाब से हर एक को हम लिख के देंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मान लो यहाँ पे पेशेंट अगर लेते हैं हम, चंचल अग्रवाल है क्या यहाँ पे आप, ना देखिए, कोलोन कैंसर स्टेज 3, जब पहली बार ये मिली थी तो इनका इंट्रोडक्शन था कि मैं कोलोन कैंसर स्टेज 3। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्टेज 3, मैंने आपको दिखाई दिया कि स्टेज 3 को भूल जाइए आप, तो सिर्फ ये देखिए जो मैं देखता हूँ कि लूज मोशन होता है, ब्लीडिंग होती है, वीकनेस है, पेन है, बैठने में ब्रेथलेसनेस है, ये बीमारी आपकी, ये मान लिया मैंने,
लेकिन उसको कोलोन कैंसर बोलेंगे, उसको स्टेज 3 बोलेंगे, ये नहीं मान रहा मैं, क्योंकि उसको मानने के लिए जो डायग्नोस्टिक वो अपने आप में ही क्वेश्चनेबल डायग्नोस्टिक, मैंने आपको समझाया।